इंदौर रोड मोती नगर में बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया पीड़ितों की आप बीती सुन रो पड़े। छोड़ा जाता है 3 बजे बाद भी जाके दो दिन हो गए उनको रोटी कर दी है सब मेरा तो डेबिट में सारा सामान बाहर निकाल लिया था नगर निवास के फोर्स में सब सामान मेरा बाहर निकाल दिया था उसके बाद चोरों को लेके गई जैसे भी लाइए सब 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 मेरा और जब तक मुझे वो बात सबसे ज्यादा नुकसान चोटी में मेरा हुआ है छोरा के टोपी टोपी तो नहीं दे रहा सामान भाई साहब थोड़ा सामान भी जिसको भी ले जाओ छोरो उनको भी ले जाओ सबके बालक बच्चे हो अपनी जान बचाएंगे जान नहीं बचाएंगे। उन्होंने पुलिस और सरकार की कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण बताया। सांसद ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से अपने घर खाली करने के लिए तैयार हो गए थे उसके बावजूद पुलिस ने लाठियां चलाई और महिला बच्चे और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने तो इतनी बर्बरता की हालत हद की सीमा लांघ दी क्या बुजुर्ग महिलाएं रो रही है निशान बता रहे हैं कुत्ता मारा निकाल निकाल के बेकसूर तो पत्थर मारने वाले तो भग गए लेकिन जो घर में लोग सामान निकाल रहे थे बुजुर्गों ने उनको मारा और इतना मारा जिसके मतलब मेरे को देख के आंसू आ गए मेरे को रोना आ गया कि यार क्या है मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब देश हमारा परतंत्र है और मैं गुलामी में आ गया हूँ अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी इन्होंने इतना मारा। सांसद फिरोजिया ने इस दौरान सभी 103 परिवारों को 10,000 रुपए की सहायता स्वेच्छा अनुदान निधि से देने की घोषणा की है। इतना मारा और मेरे उद्योग कलेक्टर ने मेरे को आश्वासन दिया था कि इनकी व्यवस्था हम माफ कर देंगे कम्युनिटी हाल इधर ये रात भर खुले में बच्चे बूढ़े सब रात भर पड़े ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे गीले हो रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं भोजन की कोई व्यवस्था नहीं क्या कमलनाथ जी की आत्मा इतनी वो हुई मर गई क्या मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जागो तुम माफियाओं की बात करते हो कि माफियाओं को परिश कर रहे तुम तो गरीबों को सजा दे रहे हो इनका क्या कसूर है इनकी बद्दुआएं मत लो कमलनाथ जी नहीं तो जने ये बद्दुआ कहाँ निकलेगी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जब लोग तैयार थे अपने घरों को तोड़ने के लिए फिर उनके साथ बर्बरता क्यों। कोर्ट के आदेश के बाद मोतीनगर के लोग अपने सालों पुराने आसियाने छोड़ने को तैयार हो गए थे लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने इन पीड़ितों के विस्थापन की उचित व्यवस्था किए बिना इन पर जबरन सख्ती दिखाकर सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने का काम किया है। शुक्रवार को मोतीनगर के पीड़ितों की सुध लेने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने ये बात कही है। इस दौरान सांसद पीड़ितों के लिए नाश्ता लेकर पहुंचे और सभी को नाश्ता करवाया। इसके बाद सभी के भोजन के लिए सिख समाज से अनुरोध कर गुरुद्वारे में लंगर चालू करवाया गया। लोगों की आप बीती सुनते सुनते सांसद अनिल फिरोजिया इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। सांसद अनिल फिरोजिया ने मौके से ही जिम्मेदार अधिकारियों को कॉल किया और मोतीनगर के निर्दोष लोगों को जिन्हें पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया है उन्हें बिना देरी के छोड़ने के निर्देश दिए। वीवीएस सेंगर सिटी चैनल उज्जैन। मेरे को भी आंसू आ रहा है कि मैं भी परिवार वाला हूँ मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ यार मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है क्या अब इनको मतलब मकान तो बात कर अब वो जैसी भी मैंने उसी में इसके हिसाब से बोला था इसके साथ सामान सब हटा रहे इनको इतना मौका दे देना कि दिन भर में अपना सामान हटा लें ताकि इनके बेचारों का गरीबों का कोई सामान का नुकसान नहीं हो। अब वो जेसीबी वाले आए उन्हें जेसीबी लगाई तो दो बच्चों को तो साथ साथ टाके आ गए है ना और बुजुर्ग महिला को भी आया अब इनका आक्रोश हुआ इनने गाड़ी अब 72 चल गए है ना अब 72 चल रहे ठीक है पर उनको घर में से निकाल निकाल के बच्चियों को महिलाओं को मारा और अब 12 बजे का अब ये स्थिति है कि ये थाने वाले आके इनको पकड़ रहे हैं बच्चों को ना महिलाओं को और बोले 5,000 रुपए तो नहीं तो और मारेंगे और थाने में भयंकर मारा पिटाई कर रहे यार ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसमें आ गया हूँ अंग्रेजों के समय अपन अंग्रेज ना हाँ आप प्लीज एक्सेप्ट करें और उनको छुड़ाएं यार बच्चों को।